कि जहाँ ट्रक बिल्कुल नीचे चले जाते, तो एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि कंक्रीट में ऐसे प्लास्टिक के गोल होते हैं, उसके ऊपर वो ट्रक कितने भी स्पीड जाते तो वो एकदम पीछे आता है, नीचे नहीं जाता है। बात इन्होंने कही है, ये भी सच है कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं, क्रैश बैरियर पहले लोहे के लगते थे। मुझे बताते हुए खुशी है, मैंने इसी समारोह में जवाब दिया था कि अब बाम्बू के क्रैश बैरियर बन गए, और आसाम से जो बाम्बू है उसके हमने अनेक जगह पर इको फ्रेंडली बाम्बू क्रैश बैरियर बना रहे, जिसमें आदिवासी और किसानों को काम मिलेगा। तीसरी बात जो आपने कही है वो बिल्कुल सही है कि जहाँ ट्रक बिल्कुल नीचे चले जाते, तो एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि कंक्रीट में ऐसे प्लास्टिक के गोल होते हैं, उसके ऊपर वो ट्रक कितने भी स्पीड जाते तो वो एकदम पीछे आता है, नीचे नहीं जाता है। तो जहाँ ऐसे उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके स्पॉट आप बता रहे हैं उसको वेरीफाई करके, वो इस प्रकार की कठिनाई की जगह पर उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, अरुणाचल जो पहाड़ीय प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, उसमें जो गाड़ियाँ नीचे जा रही है उसमें इस प्रकार का कुछ जगह हमने प्रयोग किया है, ये भी आपने बताए हुए स्पॉट पर करके हम कोशिश करेंगे कि इसमें किस प्रकार से एक्सीडेंट कम हो और जान बचे। श्रीमती ममता मोहंता।